नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बॉलीवुड की किसी सुपरस्टार के साथ नहीं बल्कि इस हॉट मॉम के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ इन दिनों लगातार अपनी आने वाली फिल्म भारत के प्रमोशन में बिजी है। इस फिल्म को प्रमोट करने के चक्कर में कैटरीना एक के बाद एक कई खुलासे करते दिखाई दे रही हैं। हाल ही में कैटरीना ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया। कैटरीना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर उन्हें सेम सेक्स रिलेशनशिप को चुनना होगा तो वो बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को चुनेंगी। करीना कपूर की तारीफ करते हुए कैटरीना कैफ ने इंटरव्यू में कहा, वो बहुत खूबसूरत और फुर्तीली है, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों बहुत जल्द एक साथ काम करेंगे। करीना के अलावा कैटरीना एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के बारे में भी बातें करती नजर आईं। रणबीर के बारे में बात करते हुए कैटरीना ने कहा, वो विश्वास करने जैसे नहीं है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण के साथ ब्रेकअप के बाद रणबीर कैटरीना के साथ रिलेशनशिप में थे। खबर तो ये भी थी कि कैटरीना के कारण रणबीर और दीपिका का ब्रेकअप हुआ था। खैर, दीपिका अब अपने जीवन में आगे बढ़ गई हैं। रणबीर कपूर भी आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं, लेकिन रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद कैटरीना की जिंदगी में अभी कोई नहीं आया है। बता दें कि भारत रिलीज होने के बाद कैटरीना फिल्म सूर्यवंशी में बिजी हो जाएंगी। इस फिल्म में वो अक्षय कुमार के ऑपोजिट दिखाई देंगी। खैर, बात अगर भारत की करें तो फिल्म में कैटरीना के अलावा सलमान खान, सुनील ग्रोवर जैसे बड़े सितारे हैं। ये फिल्म इसी महीने ईद के मौके यानी कि 5 जून को रिलीज होगी। देखा जाए तो इन दिनों कैटरीना कैफ कोई भी मौका फिल्म भारत को प्रमोट करने का नहीं छोड़ रही है। जब जब मिलता है उन्हें मौका, वो भारत का प्रमोशन करने लगती है। इस फिल्म की जमकर तारीफें कैटरीना करती दिखाई दे जाती है। बहरहाल, आप कितना एक्साइटेड है कैटरीना और सलमान स्टारर फिल्म भारत को देखने के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।